नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू ओनली आईएएस। दोस्तों, अब सारे जितने भी टॉपिक्स इस लेक्चर में या इस लेक्चर के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस करे हैं, वो सारे ही इंडिविजुअल टॉपिक्स होने वाले हैं और ये बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, पूरे ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो एनालिसिस है वो भी बहुत आसान है, अब आपको सिर्फ आराम से बैठ के सुनना है। ये जो चैप्टर है ये है वॉल्यूम 2 का चैप्टर 8, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। इस लेक्चर में हम डील करेंगे पूरे इंडस्ट्री वाले पार्ट से, नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। यहां पे हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कि ग्रोथ देखी गई है 0.6%। ये इंट्रो दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे का जो इंट्रो होता है, तो ये बोलता है कि आईआईपी ने ग्रोथ रजिस्टर करी है 0.6% की 2019-20 एज कंपेयर टू 5% ड्यूरिंग 18-19। दोस्तों, इसका मतलब है कि आईआईपी का ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है, ना कि बढ़ा है 5 से 0.6%। आपको समझ में आ रहा है कितना वास्ट डिफरेंस आ गया है, कितना वास्ट, कितना ह्यूज डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है आईआईपी में। अब आईआईपी में अगर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है तो सवाल उठना चाहिए कि आईआईपी में क्यों देखने को मिला ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा बैठा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर स्लाइड में मैं आपको बहुत ही इलेबोरेट करके सब चीजें बताने वाला हूं, यहां पर आप सिर्फ एक ओवरव्यू लीजिए। जैसे आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है इट वॉज अबाउट 0.9% इन 2019-20 एज कंपेयर टू 4.9%। तो हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्रपोर्शन होता है हमारे आईआईपी में। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करी है इन्होंने, वो कैसे कम हुआ, ठीक है। स्टील सेक्टर की बात करी है कि इसने कैसे ग्रोथ करी है कंपेयर टू, मतलब स्टील सेक्टर जो है उसने ग्रोथ करी है कंपेयर टू 18-19, क्योंकि वो पहले 3.6% था, अब 5.2% हो गया। उसी के बाद में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 102 लाख करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट लेके आ रही है गवर्नमेंट। इन सब मुद्दों पे आगे चल के बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहला इश्यू जो डिस्कस करता है दोस्त, वो करता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको कैसे ट्रेंड देखने को मिले। ये मैं आपको आगे चल के स्लाइड्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाऊंगा, जो कि मैंने आपको यहां पे थ्योरेटिकल आपके लिए मेंशन कर दिया ताकि आप पॉइंट जॉट डाउन कर सको। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो ग्रोथ है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो कम है। उसके बहुत से कारण है, जो मेजर दो कारण है वो है, सबसे पहला कि जो इकोनॉमी है, देखिए पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी भी डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी। आई होप आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी से, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में। और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ज्यादा कनेक्टेड है, मैं ये भी बता चुका हूं कि इंडियन इकोनॉमी कौन से ईयर के बाद में ज्यादा कनेक्टेड हो गई है वर्ल्ड इकोनॉमी से। अच्छा, चलिए इसको एज अ क्वेश्चन मार्क लेते हैं, मुझे बताइए कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से सबसे ज्यादा किस ईयर के बाद में हम मानते हैं कि कनेक्ट हो चुकी है, जिस कारण से कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आ रहा है तो आज हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमको पैरेलल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो स्लो डिमांड इन द इकोनॉमी, सेकंड लैक ऑफ क्रेडिट। लैक ऑफ क्रेडिट ये वही टॉपिक है जो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको पता होगा एनबीएफसी, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। नहीं पता, लेक्चर वापस रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी। आपको यह भी पता होगा एनबीएफसी में जो रिटेल सेक्टर और फर्दर बायफर्केशन किए थे, ठीक है। ये सारी चीजें, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लो ग्रोथ मिली है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूपीएससी आपको पॉइंट डाल सकता है कि आपका जो नेगेटिव ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, इट नियर अबाउट 0.2% नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। अब अगला जो सवाल है, जो मैंने आपसे इसके पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस करना चाहा था, जो मैंने आपको एज अ क्वेश्चन मार्क दिया था कि आईआईपी में दोस्त मैन्युफैक्चरिंग का कितना वेटेज है, तो इट इज अबाउट 77.6% वेटेज जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का आता है। ये सवाल बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। आईआईपी क्या मेजर करता है, ऑब्वियसली ये जो दूसरा आईपी लिखा हुआ है ये बोलता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन मेजर करेगा। और ये इस चीज का एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स में कुछ पैरामीटर्स होंगे, इन पैरामीटर्स में 77.6% वेटेज जो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का। बहुत आसान सी बात थी, तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश करता है। देखो ये दिखाता है हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये बोलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है
कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे। अच्छा, अब आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी में फर्क तो समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो पहले लेक्चर्स में, ठीक है। अब आपको कॉन्स्टेंट प्राइस और करंट प्राइस भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आप पहले लेक्चर्स में समझ चुके हो। तो अब मैं आपको इसका सीधा एनालिटिकल पार्ट पे लेके चलता हूं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है आपके इंडस्ट्री का, उसका जो ग्रोथ रेट है एट कॉन्स्टेंट प्राइस, वो देखो कैसे गिर रहा है। देखो, ये रहा आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। देखो, 2019-20 में क्वार्टर वन में 2.7 और क्वार्टर टू में क्या हो गया, 0.1। मैन्युफैक्चरिंग देख लो, 0.6 थी, -1 पे चली गई। इलेक्ट्रिसिटी 8.6 से 3.6 पे चली गई। कंस्ट्रक्शन 5.7 से 3.3 पे चला गया। आपको बात समझ में आ रही है मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आई होप आप बहुत से समझ रहे होंगे। यही चीज मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पिछली स्लाइड में लिख के समझाई थी, ठीक है। तो वो मैंने आपके नोट्स मेकिंग के लिए, पॉइंट जॉट डाउन करने के लिए चीजें लिख दी हैं। आई होप आप उसको साथ में पैरेलल जॉट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। अब आईआईपी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट शब्द है, तो आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि आईआईपी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो दोस्त ध्यान रखना कि 77.6% आता है मैन्युफैक्चरिंग, 14.4% आता है माइनिंग और 8% आता है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद दोस्त आपसे कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसको कितनी फ्रीक्वेंसी पर रिलीज किया जाता है, तो इसको मंथली निकाला जाता है। फिर आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि आईआईपी जो है, अच्छा ये कोर सेक्टर याद है ना आपको, अच्छा कोर सेक्टर पे भी फ्यूचर स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है, आईआईपी से जब मैं रिलेट कर दूंगा, अभी नहीं बताता हूं आपको। अब आईआईपी कौन रिलीज करता है, आईआईपी रिलीज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसके अंडर में आता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, बिना देखे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आईआईपी स्लो डाउन क्यों हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यही चीज इकोनॉमिक सर्वे आपको समझाने की कोशिश करता है। देखो, बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा, 18-19 का फिगर हमने डिस्कस किया था, 19-20 का ये वाला फिगर है, देखते जाओ। ये रहा माइनिंग, पहला 3.7 18-19 माइनस में चला गया, ठीक है, 4.9 था 18-19 0.9 हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी 6.6 था 0.8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज पढ़ना थी। इसके बाद में दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रहा आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब क्या, जैसे कि जो ड्यूरेबल आइटम रहते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर। अच्छा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। मारुति सुजुकी 35%, प्लांट बंद था 2 महीने, आई होप आपने न्यूज पढ़ी होगी, करंट में बहुत ज्यादा चल रहा था, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है। तो देखो 18-19 में कितनी ग्रोथ थी दोस्त, 7.8। 19-20 में कितनी हो गई, माइनस, मतलब जीरो गई पहले और फिर माइनस, मतलब ऑलमोस्ट कितना 14% देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो -6.5 चली गई। उसी के बाद में कैपिटल गुड, कैपिटल गुड देखो यहाँ पे, ये रहा कैपिटल गुड, ठीक है। कैपिटल गुड क्या होता है ना, इक्विपमेंट, जैसे आपने जो मशीनरी खरीदी, 7.2 से -11.6 का ग्रोथ रेट कम हो गई। तो इस तरीके से आपको ये चीज पता करनी थी, यही चीज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने ये चीज मेंशन भी कर दी है कि आईआईपी क्या बताता है कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, जो कि हिट कर गया जिस कारण से मार्केट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्यों कम हो गया, क्योंकि डिमांड नहीं है। अभी कार का बताया ना मैंने, मारुति सुजुकी का, साथ ही हाउस होल्ड सेक्टर स्पेशली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये मैंने आपके लिए पॉइंट लिख दिया है, जॉट डाउन कर लीजिएगा। इसी के बाद में कंस्ट्रक्शन गुड्स डिक्लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल एंड प्राइमरी गुड्स जो हैं, उनमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये यूपीएससी माइट बी पॉसिबल इकोनॉमी में ये पॉइंट आपको कहीं डाल दे, तो ध्यान रखना इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये चीज इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाई है, तो अब आप देख सकते हो। देखो, जो हम बात कर रहे थे, ये देखो, ये रहा कैपिटल गुड्स, कितना डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला और कहां से मेजर आया, ये देखो मई 2019 से, देखो देखने को मिल रहा है ऑरेंज में, ठीक है, यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रेड में देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये दो के बारे में बात करी थी हमने, अगेन यहीं से देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कैसा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। हालांकि अक्टूबर 2019 के बाद इन दोनों में अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जो आपका प्राइमरी गुड है, ठीक है, प्राइमरी गुड ले लो या फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ले लो या फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, नहीं, ये भी डाउनवर्ड मिला है। तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ले लो या प्राइमरी गुड ले लो, ये दोनों अभी मैंने क्या बताया था, ये बढ़ गए, तो देखो बढ़ गए, मैं दिखा देता हूं आपको। ये अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स भी बढ़ा है, ये वाला देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखो, ये है इंटरमीडिएट गुड, देखो इसको अगर मैं यहां से नापूं, अगेन यहां से या फिर भले ही यहां से, ठीक है, कहीं से भी नाप लो। देखो अगर मैं इसको यहां से नाप के अगर यहां से करूं तो अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, तो मतलब बढ़ा हुआ ही मानेंगे, तो इंटरमीडिएट गुड्स बढ़ गए। अब ये देखो, ये प्राइमरी देखते हैं, ठीक है, प्राइमरी कहां है अगर आप लोकेट करो, देखो ये रहा, दिखा ये वाला प्राइमरी, ये देखो ये रहा। तो प्राइमरी में भी अगर आप देखो तो ओवरऑल तो ज्यादा कम नहीं हुआ है, ठीक है,
और कंस्ट्रक्शन गुड्स में देखो तो अगेन ज्यादा कम नहीं हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, ये इकोनॉमिक सर्वे ने बनाने की कोशिश करी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, ठीक है, मान ली बात, क्यों हुआ, रीजन पता होने चाहिए ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे रीजन, सिर्फ एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेना है और ये चीज खत्म हो जाएगी। क्रेडिट फ्लो जो है वो कम हो गया है, हमने पढ़ा था, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज में उससे सबसे ज्यादा कम हुआ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, अच्छा स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने वो दोस्त लेंडिंग कम करी ही है, वो तो बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा जो, अच्छा ये याद है ना आपको जो हमने पढ़ा था, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने लेंडिंग कम कर दी तो उसकी जगह कुछ टाइम, ग्राफ याद करो, ग्राफ पढ़ा था कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने लेंडिंग कम करी थी कुछ टाइम के लिए, तो इसकी जगह किसने रिप्लेस कर दिया था, एनबीएफसी ने। देखा था हमने वो ग्राफ, याद आया आपको कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग नीचे गिर रहा था, वहीं से एनबीएफसी का लेंडिंग ऊपर जा रहा था, इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि दोनों की लेंडिंग नीचे चली गई, मतलब एनबीएफसी भी नीचे चला गया, मतलब लैंड नहीं कर रहा था, और स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स तो कर ही नहीं रही थी। तो यहां पे ये लिखा है इस कारण से मैंने एनबीएफसी, ठीक है, तो जिस कारण से ऐसा क्यों हुआ, लिक्विडिटी क्रंच आ गया। और क्या कारण है मैन्युफैक्चरिंग कम होने के, डोमेस्टिक डिमांड कम हो गई, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटाइल हो चुके हैं, यूएस ईरान बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूं। जो हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, बेसिक, अच्छा जेम्स एंड ज्वेलरी ये अगेन बहुत ज्यादा हिट हो गया दोस्तों, अभी तो इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, ये कोरोना वायरस ने इस सेक्टर को हिला के रख दिया है, ठीक है, हमारा लेदर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स इस सेक्टर को हिला के रख दिया है, ये अभी जब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी तो आप देखोगे। तो क्या हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी, बेसिक मेटल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इसने भी अंडर परफॉर्म करा, ठीक है, इस तरीके से। और अब जो मैं आपको बता रहा था, ये एट कोर इंडस्ट्रीज, ये आईआईपी में इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि 40% वेटेज जो है आईआईपी में ये एट कोर इंडस्ट्रीज रखती हैं। तो अब आपका आज का होमवर्क ये रहेगा, मैं आपको जब कोर इंडस्ट्रीज समझा दूंगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस 40% का, अच्छा पहले मैं आपको समझाता हूं कि मतलब क्या है। देखो ये एक इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें बहुत से इंडस्ट्रीज आती हैं। इस इंडेक्स में जो 40% वेटेज है वो इन एट कोर इंडस्ट्रीज का होता है इन ऑल। तो होमवर्क ये है आपका कि इस एट कोर इंडस्ट्रीज में भी आप मेरे को बायफरकेट करके बताओ कि ये जो 40% वेटेज है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस इंडस्ट्री का होता है। आठ होती हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आप मुझे इसको क्रोनोलॉजी करके बताओ कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है और उसके बाद कम किसका होता है, पहले के दो और लास्ट के दो, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आईआईपी पूरे साल भर न्यूज में रहा था, ठीक है। ट्रेंड बता देता हूं आपको, जो हमारी एट कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है इट्स टू फ्लैट, मतलब ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिले हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में। जो हमारा फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमें एक्सपांशन देखने को मिला उसके प्रोडक्शन में, ठीक है, उसके बाद, मगर उसके बाद भी जो बाकी के हैं जैसे कोल का प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। इसी के बाद में हमारे यहाँ पे जो माइनिंग एरिया है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण से कि हमारा कोल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जैसे हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, कुछ स्ट्राइक्स देखने को मिली थी हमको बीच में, हमारे यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल हो गई थी मानसून में जिसने डायरेक्ट अफेक्ट किया हमारे कोल सेक्टर को। उसी के बाद में क्रूड ऑयल इंडस्ट्री जो है इट अगेन कंटिन्यू टू शो डाउनवर्ड ट्रेंड। क्यों, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के अगेन कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पे पावर शटडाउन हो जाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हैं, रेन, विंड, थंडरस्टॉर्म, इस तरीके से। तो बेसिकली कुछ रीजन है, आपको पढ़ना जरूरी तो नहीं थे, मगर क्योंकि आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ जाए कि यार दोस्त आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये कम कैसे हुए, तो मैंने आपके लिए जस्ट एक ओवरव्यू लिख दिया दो तीन इंडस्ट्री का, मगर यह पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि करंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी ये एक टॉपिक होता है, ठीक है। यही चीज इन्होंने आपको यहां पे शो करके बताई है बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकल आपके पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए लिख दी थी। देखो ये रहा कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और यहां पे आप देख सकते हो अगेन वैसा ही जैसे हमने पहले पढ़ा था 1819 और दोस्त 1920, कोल 9 था 1819 वाले एरिया ईयर में, माइनस में चला गया, क्रूड ऑयल -3.6 था और माइनस में चला गया,
नेचुरल गैस माइनस में था और माइनस में माइनस 3.1 हो गया, रिफाइनरी पॉजिटिव में 5.3 था और नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको चीज पढ़नी है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्टील में क्या हुआ था दोस्त, पॉजिटिव था, तो देखो 3.6 से 5.2, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी रहती है दोस्त कि कहां से आप ऊपर चढ़े हो या किस, क्योंकि देखो बाकी सब में तो आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, स्टील में ऊपर उठ गया और फर्टिलाइजर में देखो -1.3 से 4 हो गया। तो ये जो दो चीजें हैं ये यूपीएससी उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो ऐसी इंडस्ट्री बताओ कौन जिसमें हम ग्रोथ ऊपर उठ गई, जिसने कि फर्दर हमारे पूरे 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को मॉडरेट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर और स्टील में हमने अच्छा प्रोडक्शन किया है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी की इन द सेंस प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब ग्रोथ रेट ऑफ आईआईपी 8 कोर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो अगर चाहो तो रोक के, ठीक है। रेड में मैन्युफैक्चरिंग है, ये देखो आप मैन्युफैक्चरिंग को देख सकते हो। अगर मैं आपको 18 से निकाल के यहाँ तक अगर दिखाऊं, ठीक है, तो कितना ज्यादा अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में देख मार्क करूं आपके लिए तो कितना ज्यादा यहां तक आ गया, ठीक है। आईआईपी, ठीक है, आईआईपी को भी यहीं से ले लेते हैं क्योंकि एक को यहां से लिया तो दूसरे को दूसरी जगह से क्यों देखे ना। तो देखो ये भी वही है, ये देखो आईआईपी आ गया और क्यों आया ये तो आप समझ ही गए हो कि डायरेक्ट रिलेशन है दोस्त, ठीक है। कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज आ गया, अब 8 कोर इंडस्ट्रीज अगेन आईआईपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, कितना कर रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इसको भी यहां से देख लो आप, ये देखो ये तीनों यहां पे दिख रहे हैं मैच होते हुए, ये जो पॉइंट है ध्यान से देखो ये वाला, ये हाँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो तीनों इंडिकेटर्स जो है आर मूविंग इन टैंडम, ये हम देख सकते हैं। अब बात करता है इकोनॉमिक सर्वे कोर इंडस्ट्रीज के बाद में कि आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है इन्होंने कैसा काम किया, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कुछ बेसिक पढ़ो, ठीक है, ये चीज समझने के पहले कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है उसमें 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं एज ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा ये खुद पढ़ लो आप फटाफट, देखो 249 जो है वो ऑपरेशन में है, 86 एसीपीएससी जो है दे वर येट टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन ऑन 13 सीपीएससी जो है वो क्लोजर या लिक्विडेशन में पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें फिर फर्दर इन्होंने बताया है कि 249 ऑपरेटिंग सीपीएससी जो है वो इतने प्रॉफिट बता रही हैं, इतनी लॉसेस बता रही हैं, और एक जो है वो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ये समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही मतलब वेग चीजें हैं, तो मैंने सिर्फ नोट डाउन करने के लिए आपके लिख दी थी, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर महारत्न नवरत्न ये है टॉपिक, ये पूछेगा यूपीएससी, महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न, इसके जो क्राइटेरिया है दोस्त आप पहले वो पढ़ो, ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं बताएगा, ये हमको पढ़ना जरूरी है, स्टैटिक पार्ट मैंने आपके लिए लगाया है, ठीक है। सबसे पहले तो पढ़ो महारत्न क्योंकि यूपीएससी सबसे पहले ये पूछेगा, बाद में ऊपर नीचे जाएगा। ये सीपीएससी इसको कम मिलता है जिनके पास या तो नवरत्न स्टेटस हो, ठीक है, लिस्टेड हो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग हो सेबी रेगुलेशंस के अंडर में, कुछ टर्नओवर से मेजर करते हैं 25,000 करोड़ का होना चाहिए लास्ट 3 साल में, एवरेज एनुअल नेटवर्थ मेजर की जाती है 15,000 करोड़ होनी चाहिए लास्ट 3 साल में, एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सिंग, एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, हर चीज क्या पढ़ रहे हैं ध्यान रखना लास्ट 3 साल में। तो ये तो एक सवाल यही खत्म हो गया, लास्ट 3 तो हमको याद ही रहेगा, ठीक है, 25, 15, 5, 5 की डिनोमिनेशन में ये भी याद रहेगा, ठीक है। टर्नओवर क्योंकि सबसे ज्यादा होता है तो ये सबसे ज्यादा चीज होगी, नेट प्रॉफिट हमेशा कम रहेगा और टैक्स दे दोगे तो और भी कम हो जाएगा, तो ये हमेशा कम सबसे कम आएगा 5,000 करोड़, तो ये चीज आपने याद कर लिया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस इंटरनेशनल ऑपरेशंस, ये वेक पॉइंट है छोड़ दो उसको, ठीक है। उसके बाद में नवरत्न अगेन इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आना चाहिए, ये बेसिकली उनके इंटरनल बायफर्केशंस हैं, हम नहीं समझ सकते, कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग दी जाती है अंडर एमओयू सिस्टम लास्ट 3 या 5 साल में, ठीक है। कॉम्पोजिट एक स्कोर मेजर किया जाता है इनका, तो 60 और अबव के अगर ऊपर आता है कुछ 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर में, वो परफॉर्मेंस पैरामीटर ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि कुछ 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं जिनमें कॉम्पोजिट स्कोर रहता है, एक्सीलेंट या वेरी गुड आता है तो मिनिमम रत्न कैटेगरी 1 में डाल दिया जाता है, या मिनी रत्न कैटेगरी 1 होती है तो नवरत्न कहला दिया जाता है, ठीक है। मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो चीज, ये स्टेटस कब मिलेगा जब ये होगा, ये स्टेटस कब मिलेगा जब ये होगा, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और मिनी रत्न वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिन्होंने प्रॉफिट मेक किया है लास्ट 3 साल में कंटिन्यूअसली और पॉजिटिव नेटवर्थ रही है, इस तरीके से इन 3 को कवर किया जाता है। ध्यान रखना दोस्त, एक छोटी सी लाइन लिख के यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा, ठीक है।
अब आता है कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्म। अब देखो कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस क्या है, जब भी ये चीज आती है ना, ये आरबीआई वाली चीज, तो ये समझ में नहीं आता है कि इंडस्ट्री में आरबीआई क्या कर रही है। ठीक है, अरे चलो फाइनेंस बता दिया, हर जगह क्या आरबीआई, ये बेसिकली आपने जो पढ़ी थी ना दोस्त फिनेंशियल, उसकी रिपोर्ट जो निकालता है वो ये इस चीज में छोटी सी चीज डाल देता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या करा कि कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये नहीं करना चाहिए था, या तो इनको बताना चाहिए था, ठीक है, या तो फिर हमको पता होना चाहिए, तो दूसरी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम पता कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस आरबीआई निकालता है। तो इसने स्टडी करी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की, डिमांड कंडीशंस की, मैन्युफैक्चर में इसने पाया वीकन है। ठीक है, ये फिर कुछ बोलता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील, मोटर व्हीकल्स और अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट कंपनीज जो है, इन ये मेजर कंट्रीब्यूटर रहे स्लोडाउन में। तो ये क्या बता रहा है, तो हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना बस कि कभी अगर आ जाए कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस तो आरबीआई करता है ना, बहुत टिपिकल चीज है। आप सोचोगे कि इंडस्ट्री है, आरबीआई क्या ही करेगा, ये आरबीआई करता है, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन करा। उसके बाद में ग्रोथ इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब नेट प्रॉफिट ऑफ लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ध्यान से देखो कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल्स देखो सबसे पहले तो ब्लू में, ये देखो क्वार्टर वन से 2018-19 के लगातार यहाँ तो नेगेटिव में चला गया 1920 के क्वार्टर वन में। ठीक है, ये आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट, अब जो सेल्स कम हो रही तो नेट प्रॉफिट कहां से बढ़ेगा, ये कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज बताना चाह रहा था। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो मैं बताऊं आपको कितना कम करते हैं, मैक्सिमम कितना जा रहा है देखने को मिल रहा है 76%, ये अगर मैं यहां से इसको ऐसे बढ़ा दूं तो। ठीक है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हालांकि 2018-19 में हमारा यहां से यहां तक बढ़ा है, मगर फिर अगेन कम होता हुआ दिखा हमको। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मान लो मेरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, मैंने वहां पे बहुत सारी नई नई मशीन्स लगा दी, ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं कोई मशीन लगा रहा हूं तो ये अच्छी बात है या बुरी, बहुत अच्छी बात है। क्यों, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि मैं फ्यूचर में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला हूं। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ाने वाला हूं, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्त यहीं पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ रेट है उसने एक शार्प राइज रजिस्टर किया है, तो ये अच्छी बात है, मतलब फ्यूचर में हम अच्छी ग्रोथ करने के एक एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो माइनस में था 16-17 में, देखो प्लस में आ गया और 7.6, मतलब माइनस 0.7 से प्लस 7.6। ठीक है, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो 1.3 से 8 पे चला गया। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आपको बताने की कोशिश करता है। क्रेडिट फ्लो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना हुआ, ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश करता है। तो जो बैंक का क्रेडिट फ्लो है वो बड़ा है एक 2019 वाले ईयर में, देखते हैं कैसे, बड़ा नहीं आई मीन कम हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 6.9 से 2.7 जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, अभी लास्ट स्लाइड में 1.1 से माइनस चला गया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, प्लस से माइनस में जाती हुई आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो क्रेडिट फ्लो अगेन बार बार बता रहा हूं कि कम हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको पता होगा कि हमने 14 रैंक जंप करी है, ठीक है, प्रीवियस रैंक ऑफ 77 से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है वो 10 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है, ये 10ों के 10 इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 10 में से हमने 7 में से बहुत अच्छा काम किया है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जिस कारण से कि हम ऊपर उड़ गए। तो अब आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे बताओ कि कौन रिलीज करता है, ठीक है, और इंडिया की करंट में कौन सी पोजीशन है। और 10 इंडिकेटर हम अगले जो वॉल्यूम 1 में डिस्कस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहां मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप 2014 से हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को देख सकते हो, लगातार ऊपर चढ़ता हुआ, बहुत ही अच्छा सिग्नल है। अब जो 10 पैरामीटर है वो यहाँ इन्होंने लिख दिए, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अच्छा, इसमें आप देख लो कि हमने हर चीज में लगभग लगभग ये जो हमने अभी बात करी ना, 7 पैरामीटर इन्होंने दिए हुए हैं जिसमें हमने अच्छा काम किया, ठीक है, यहाँ पे बाकी के 3 पैरामीटर नहीं दिए। तो आप देख सकते हो कि इन सारे पैरामीटर्स पे हमने अच्छा काम किया है, ये हमारी ग्रोथ बता रहा है। ब्लू में 18 है, रेड में 19 है, मतलब हर मतलब साल भर में देखोगे तो सब ऊपर वाला ट्रेंड ऐसा वाला एरो बना के देख सकते हो, हर जगह ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब कैसे हमने ये चीज करी, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। हमने लेबर रिफॉर्म्स अच्छे करे, हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन रिजीम चलाई, मतलब कि कैसे कि जो 6 लेबर लॉज हमारे यहाँ चलते थे और 3 एनवायरमेंटल लॉज चलते थे, इनमें हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया कि आप कोई भी थर्ड पार्टी से अपना सर्टिफिकेशन करवा लो। स्कीम्स चलाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ठीक है,
अब यूपीएससी ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि कौन सी तीन स्टेट्स हैं जो टॉप परफॉर्मर रही हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली जो है टॉप परफॉर्मर रही हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर रिकॉग्नाइज करें हम स्टार्टअप इंडिया के कल्चर में। अब स्टार्टअप इंडिया में अगर इंडस्ट्री वाइज में बात करूं दोस्त, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना आईटी सर्विसेज ने अकाउंट किया है 13.9% का। उसके बाद आता है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस 8.3% का, और जैसे ओनली आईएएस, ठीक है, स्टार्टअप एजुकेशन 7% का। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इनिशिएट किया था। ये बेसिकली एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इनिशिएशन लिया गया था हमारे स्टार्टअप बिजनेस का। इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का कंप्लायंस है उसको इन्होंने, जो कंप्लायंस रिजीम है मतलब कि उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन में डाल दिया। अब जो नॉ लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज है उसका, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो। सेल्फ सर्टिफिकेशन से क्या होता है कि कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से, ठीक है। अब क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं होता है तो कोई घूस नहीं देनी पड़ती है। उसके बाद में स्टार्टअप्स को फास्टर एग्जिट के लिए हमने बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए। जो उनको फंड की जरूरत रहती है, हमने 10,000 करोड़ रुपए का फंड उनके लिए बनाया। जो स्टार्टअप्स हैं 3 साल के लिए उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया। इसी के साथ साथ इंडस्ट्री एकेडमिया की जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसको हमने ज्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। स्टार्टअप की यहाँ पे डेफिनेशन हमने लाने की कोशिश करी कि जो भी, जिसको भी 10 साल या 10 साल से कम हुए हैं उनके इनकॉर्पोरेशन डेट से, और जिस एंटिटी का जो टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जब से वो बनी है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं गया है, ठीक है, और उसके पहले 7 साल में 25 करोड़, तो उसको स्टार्टअप की डेफिनेशन में आपने डाला। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या थी, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए थी अमंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। ध्यान रखना ये स्कीम आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ये क्वेश्चन यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये बैंक लोन देती है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का एससी और एसटी बोरोवर को, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ये ध्यान रखना, एक वुमेन को एटलीस्ट देना है हर बैंक ब्रांच को। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज होता है मतलब फाउंडेशन से जो चीज स्टार्ट करने जा रही है वो वुमेन। अब ये जो एंटरप्राइज है मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती है, सर्विसेज में भी हो सकती है, और ट्रेडिंग सेक्टर में भी हो सकती है। अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज खोलने जा रहा है तो एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेट जो है वो SC/ST या वुमेन एंटरप्रेनर के पास में रहना चाहिए। नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, कि मान लो कि किसी के साथ मिलकर खोली और किसी ने ये स्कीम का फायदा उठाने के लिए एक SC/ST या वुमेन एंटरप्रेनर ले लिया और पूरी चीज खुद ने रख ली, तो ये चीज भी नहीं कर सकते। स्टैंड अप इंडिया का इकोसिस्टम इस डायग्राम से बहुत अच्छे समझ सकते हो कि कैसे हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। देखो बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छी चीज लेके आए। दो सेंटर हैं, सिडबी और नाबार्ड, ठीक है। ये क्या करेंगे बेसिकली, ये जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। ये वोकेशनल ट्रेनिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ये लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन रहेंगे, ये डायरेक्ट एसोसिएटेड रहेंगे इन बैंक ब्रांच से। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये लोग लेंगे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देगा कौन, ये लोग हैं कौन, बैंक के लोग, तो पहले ट्रेनिंग देंगे उसके बाद इन लोगों को लोन दे देंगे। मतलब क्या कर रहे हो, लोगों को लोन ट्रेनिंग दे के खुद ही लोन प्रोवाइड करवा रहे हो ताकि लोग धंधा कर पाए, बिजनेस कर पाए, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे बताता है आपका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स का। सबसे अच्छा मुझे इस फिगर में रोको और देख के बताओ, अगर मैं ये फिगर आपको नहीं दिखाता ना दोस्त, तो भी आप आंख बंद करके बता सकते थे ऐसी स्टेट का नाम जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप आए होंगे, ठीक है। फिर भी आप स्लाइड रोको और नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा स्टार्टअप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी के बाद में अगर इंडस्ट्री वाइज, हालांकि मैं बता चुका हूं सबसे ज्यादा क्या है, आईटी सर्विसेज देखो, उसके बाद में क्या है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस वेरी गुड, और थर्ड में क्या है, वेरी गुड एजुकेशन। इस तरीके से पहले की तीन आपको पता होनी चाहिए, ये पूछ सकते हैं। अब सेक्टर वाइज कुछ इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए, ये इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करता है। सबसे पहले बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्री में सबसे पहले तो ये पता करो कि इंडिया जो है वो सेकेंड पोजिशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकेंड से हम थर्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम फिनिश्ड स्टील के, आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ये दो चीजें याद करना, यही यहां पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है।
ग्राफ में रोक के पढ़ो, देखो चाइना को, देखो इंडिया को और देखो यूएस को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन अगेन बता चुका हूं मैं, इंडिया चाइना और यूएस वाला। ठीक है, फिर अगला है कोल, जो इकोनॉमिक सर्वे आपको बताने की कोशिश करता है। ओवरऑल जो रॉ कोल का प्रोडक्शन है 2018-19 में, वो इतने टन 730.4 मिलियन टन रहा है, जिसमें कि 8.1% ग्रोथ रेट देखने को मिली है। उसके बाद भी जो डिमांड एंड सप्लाई की गैप है हमारी कंट्री में, वो कोल इंपोर्ट से हम लोग, अब अच्छा कोल इंपोर्ट अगेन आपको याद आ गया होगा, जो कोल पॉलिसीज हमने लास्ट के लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, ठीक है, वो भी आप यहां पे कोट कर सकते हो यहां पे। उसके बाद में आपको प्रोडक्शन और इंपोर्ट ऑफ कोल इन इंडिया, यहां पे इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश करता है। देखो ऑल इंडिया कोल प्रोडक्शन लेफ्ट एक्सिस पे ये दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन एमटी, देखो आप ध्यान से लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, मगर 18-19 के बाद में आके, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ज्यादा स्नो रेनफॉल, ठीक है, ये देखो कम हो गया। टोटल इंपोर्ट अब स्लो डाउन है, अच्छा देखा था हमने स्लो डाउन है तो कोल इंपोर्ट करके करोगे क्या जब इतना स्लो डाउन है, तो अगेन देखो यहां से स्लो डाउन दिख रहा है, कोल इंपोर्ट कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज पढ़नी थी। तो ये राइट में दिखा रहा है इंपोर्ट, ये भी कम होता हुआ दिखा रहा है, लेफ्ट में दिखा रहा है प्रोडक्शन इन एमटी, ये भी कम होता हुआ दिखा रहा है आफ्टर 18-19, ये हमने पढ़ा। फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस बताने की कोशिश करता है। एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, तो यहां पे दो स्लाइड आपको देखने को मिलेगी, एक में मैंने देखिए ध्यान से लिखा हुआ है अर्लियर डेफिनेशन, और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू डेफिनेशन। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि 2018 में दोस्त यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए थे अमेंडमेंट्स एमएसएमई की डेफिनेशन में एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली पहले ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज लिखा है, ये सर्विस एंटरप्राइज लिखा है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, ठीक है, मशीनरी तो रहेगी नहीं, सर्विस है, तो यहाँ पे माइक्रो किसको बोलोगे ये आप देख सकते हो कितने पैसे होने चाहिए, स्मॉल किसको बोलोगे, मीडियम किसको बोलोगे आप पढ़ सकते हो। फिर नए के थ्रू किसा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तो वही रहेगा 2018 बिल में, ये इसको बढ़ा के देखो, कम करके देखो क्या कर दिया। ठीक है, तो ये आप रोक के पढ़ सकते हो, ये बताना वेक चीज हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई सेक्टर की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से एमएसएमई जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स, अच्छा क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर, 90% पॉपुलेशन, मोर देन 90% इज इन्वॉल्व इन द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, 30% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है, इंपॉर्टेंट तो हो गई। 2000 से 2001 में एमएसएमई सेक्टर की जो ग्रोथ हैज ऑलमोस्ट एवरी ईयर आउटस्ट्रिप ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इसी के बाद में जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, आज जो हम ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये सेक्टर 63.38 मिलियन एंटरप्राइसेस को कवर करता है, तो कितना वास्ट नेटवर्क यहाँ पे देख सकते हो। 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता है, 40% एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है, और 28%, मैंने 30% जीडीपी बताया था, नियर अबाउट 30% ही है ये। ठीक है, नियर अबाउट 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही 111 मिलियन पीपल एम्प्लॉयमेंट देता है। टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में एमएसएमई सेक्टर आता है, तो इस कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और हम जितनी भी तरीके से अगर देखें कि जीडीपी में हमारे या ओवरऑल इकोनॉमी में कितना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। इट्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर विच मस्ट बी वर्किंग टू हेल्प आर इंडियन इकोनॉमी ग्रो। तो एमएसएमई के लिए फिर कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हमारी सरकार ने, हमारी सरकार को भी ये चीज पता है अगर हमको पता है तो, ठीक है, कि 1 करोड़ रुपए का लोन देंगे 59 मिनट्स में, 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, 59 मिनट्स में देंगे। अब ये वैसे ही हो गया है जैसे 2 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, ठीक है, भले ही 2 महीने लगे, बाकी खुलता 2 मिनट में, क्योंकि इसमें नहीं दिए जा रहे इस तरीके से लोन। ठीक है, बहुत सी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, 59 मिनट्स ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन 2% ओवरऑल जीएसटी रजिस्टर जो करेगा एमएसएमई, इंक्रीमेंटल क्रेडिट अप टू 1 करोड़, ठीक है, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन देगी हमारी सरकार। उसी के बाद में सारी कंपनी जिसका भी टर्न ओवर ज्यादा है 500 करोड़ रुपए से, उसको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में, ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या होता है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो एमएसएमई जहां पे जो सेलर है वो पैसे ले सकता है उस बिल को रख के। बेसिकली ये अगर आप देखना चाहो, समझना चाहो, तो आपने वो वेयर हाउस हमने जो पढ़ा था याद आ रहा है आपको, वेयर हाउस ने अपना गोडाउन में माल रखा, उसको एक रिसिप्ट मिली, उस रिसिप्ट के बदले में लोन ले लिया, उस तरीके की यहाँ पे एमएसएमई में आप समझ सकते हो। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए। साथ ही साथ सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कंपलसरी कर दिया गया है कि एटलीस्ट 25% जो उनका माल है उनको मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदना है, जो कि पहले 20% था टोटल परचेस का। इसके बाद में जो 25% प्रोक्योरमेंट है वो मैंडेटरी कर दिया है कि एमएसएमई से आपको लेना है,
उसमें भी 3% रिजर्व फॉर वुमेन एंटरप्रेनर्स। तो इस तरीके से क्या है कि बेसिकली हमारी सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ा थ्रस्ट मिले कि बहुत अच्छे से काम कर पाए। इसी के बाद और भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे जेम पोर्टल के थ्रू, जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इट्स वन स्टॉप पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको इस पोर्टल के थ्रू ही खरीदारी करनी है। 20 टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स खोल दिए हैं, 100 एक्सटेंशन सेंटर खोल दिए हैं 6,000 करोड़ रुपए लगा के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बियर 70% ऑफ द कॉस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग फार्मा क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर को प्रमोट करने के लिए 70% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर कर रही है। 8 लेबर लॉज, 10 यूनियन रेगुलेशंस जो होते थे टू बी फाइल वंस इन अ ईयर, ठीक है, इनके रिटर्न। उसी के बाद में जो इंस्पेक्टर राज की हम दिक्कत देखते थे, ये कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंस्पेक्टर वहां जाएगा तो रिश्वत बार बार देनी पड़े, रिश्वत नहीं ले सकते आप। सिंगल कंसेंट आपको लेने की जरूरत है एयर वाटर पॉल्यूशन लॉस की, ठीक है, और जो रिटर्न है सेल्फ सर्टिफिकेशन आप करवा सकते हो। उसी के बाद में 10% एमएसएमई यूनिट जो है उन्हीं को इंस्पेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से बेसिकली आप स्लाइड रोक के भी पढ़ सकते हो कि कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है हमारी सरकार ने। हालांकि ये पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे यूपीएससी में, मगर आप मेंस आंसर राइटिंग में इनको कोट कर सकते हो कहीं पे। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अगले लेक्चर में। आई होप आपको इंडस्ट्री वाला पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर हाँ तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग।